सजाए आपका हर पल, माँ सरस्वती ज्वर के संग आए खुशियों की हलचल। माँ सरस्वती ज्वेलर्स के गहनों से जब आपकी बिटिया सजेगी तो चमक और भी दुगुनी होगी। इस फेस्टिवल सीजन गोल्ड सिल्वर डायमंड ज्वेलरी खरीद के लिए आए माँ सरस्वती ज्वेलर्स, क्योंकि यहाँ मिलता है विश्वास, शुद्धता और बेजोड़ कारीगरी का। आपको जानकर खुशी होगी कि विश्व का सबसे बड़ा गहनों का शोरूम खुलने जा रहा है बैढ़न में। हमारी अन्य ब्रांच सिंगरौली, लखनऊ और बैढ़न में है। माँ सरस्वती ज्वेलर्स, नवजीवन बिहार, विंध्य नगर, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉल करें 9993757188। विदिशा देश में भगवान कुबेर की कुल 4 प्रतिमाएं विदिशा, मथुरा, पटना और भरतपुर में है, लेकिन विदिशा के पुरातत्व संग्रहालय में रखी प्रतिमा सबसे ऊंची और प्राचीन है। खास बात यह है कि यहां उनकी पत्नी यक्षिणी की भी प्रतिमा है। आइए जानते हैं उसका इतिहास क्या है। प्राचीन समय में विदिशा बेहद समृद्ध और व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। कुबेर को धन का देवता माना जाता है, इसलिए यहाँ के लोग उस समय कुबेर की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करते थे। आज भी धनतेरस पर लोग प्रतिमा का दर्शन पूजन करने आते हैं। धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा होती है, क्योंकि उन्हें धन की देवी माना जाता है। लेकिन इस दिन कुबेर जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। भगवान कुबेर की पूजा विशेष रूप से धनतेरस पर होती है। इतिहासकार गोविंद देवलिया अपने एक हाथ में धन की गठरी लिए खड़े हैं। ये प्रतिमा ये बैस नदी का दाना घाट से प्राप्त हुई थी। प्रतिमा बैस नदी में उल्टी पड़ी थी। लोग इसको पत्थर समझकर इस पर कपड़े धोया करते थे। एक बार नदी में पानी कम होने से तो यहाँ के एक स्थानीय चित्रकार रघुनाथ सिंह की नज़र इस पर पड़ी। उन्होंने प्रशासन को खबर दी। पुरातत्व विभाग के लोग आए, उन्होंने इसका नामकरण किया और खुदाई करके इसको ले गए। विदिशा के पुरातत्व संग्रहालय में 12 फीट की कुबेर भगवान की प्रतिमा स्थापित है, जो देश में बल्कि कहें एशिया में सबसे बड़ी प्रतिमा है। आज धनतेरस है, धनतेरस पर भगवान कुबेर की पूजा का महत्व बताया गया है। घरों में, बैंकों में पूजा होती है। साथ ही साथ यहाँ जो जिला संग्रहालय रखा है, जहाँ पे कुबेर देवता की मूर्ति है, उसकी पूजा करने के लिए भी पिछले कई सालों से लोग यहाँ आ रहे हैं। हालांकि शासकीय स्थान है, इधर विशेष अनुमति लेके ही पूजा की जाती है। तो आज जो एक सुशील शर्मा जी हैं, मेरे साथी हैं, पंकज जैन हैं, अर्पित उपाध्याय जी हैं, हम लोग करीब करीब 17, ये हमारा 17वां साल है जहाँ हम लगातार पूजा करने आ रहे हैं। ये मूर्ति कहाँ से लाई गई थी, कितने वर्ष हो गए? जो बात यहाँ सामने आई है, जो जानकार बताते हैं, जिला संग्रहालय से जो जानकारी मिली है, ये विदिशा के बैस नदी में जो एक नदी है, उधर पे भगवान कुबेर की प्रतिमा पड़ी हुई थी, उल्टी अवस्था में थी। लोग इसके ऊपर जो है कपड़ा धोने का काम किया करते थे, और चूंकि उनकी पीठ की तरफ जो एक सपाट जगह थी, तो उनके कपड़ा धोने के लिए एक अच्छी व्यवस्था थी, और वर्षों तक ये प्रक्रिया चली। सन 1955 के लगभग जब बारिश कम हुई थी, बैस नदी का पानी कम हुआ था, तब ये मूर्ति का आकार जो है लोगों को नजर आया, तब वहाँ से मूर्ति निकाली गई। और उस समय जिला संग्रहालय नहीं बना था, तब ये मूर्ति जो है विदिशा के जो रेस्ट हाउस है रामद्वार में, वहाँ पे इस मूर्ति को रखवाया गया था। और 1964-65 में जब जिला संग्रहालय बना, तब वो जो मूर्ति कुबेर भगवान की थी, जो 12 फीट की है, जो दूसरी शताब्दी की मूर्ति है, वो जिला संग्रहालय में स्थापित की गई थी। इसके साथ ही यहाँ जिला संग्रहालय में मैं आपको बताना चाहूँगा, कुल 3 प्रकार की मूर्ति कुबेर जी की है। एक जो हमारे जस्ट पीछे है, ये भगवान कुबेर की राजा के रूप में स्थापित है, जो बैठी हुई अवस्था में है। और अंदर जो भगवान 12 फीट के खड़ी अवस्था में है, वो प्रहरी के रूप में भगवान कुबेर को जाना जाता है। आज हमारे शास्त्र अनुसार तो धन्वंतरी जयंती है, और साथ ही इसको धन की देवता के रूप में भी हम मान्यता देते हैं। तो धन की देवता कुबेर की एक विशाल प्रतिमा विदिशा में है, जो कि पूरे देश में दुर्लभ है। इतनी बड़ी प्रतिमा कहीं पर भी नहीं है। 12 फुट से अधिक ऊंची प्रतिमा है, जो कि विदिशा के बैस नदी दाना घाट में प्राप्त हुई थी। और इसको आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व यहाँ पर लाया गया था। तब ये संग्रहालय नहीं बना था, तो रेस्ट हाउस में रखा गया। और 1965 में संग्रहालय बनने के बाद इस मूर्ति को, ये 2200 साल पुरानी प्रतिमा है, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की प्रतिमा, ऐसा पुरातत्व विदों ने इसका गणना की है। आज धनतेरस के शुभ अवसर पर विदिशा मुख्यालय पर जिला संग्रहालय में स्थापित भगवान कुबेर की अतिशाय प्रतिमा, जो कि लगभग 11 से 12 फीट ऊंची है, ऐसी अतिशाय प्रतिमा की विगत 70 वर्षों से हम लोग निरंतर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान कुबेर को धन, ऐश, समृद्धि का देवता प्रदान माना गया है, इसलिए हम लोग निरंतर पूजा करते हुए आए हैं। इस हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, ये प्रतिमा
बड़ी अतिशाह है और ऐसी प्रतिमा हिंदुस्तान के अंदर वहाँ चार स्थानों पर पाई जाती है, एक बिहार के पटना, उत्तर प्रदेश की मथुरा और राजस्थान के भरतपुर में, उसके अलावा विदिशा में पाई जाती है। ये प्रतिमा व्यस्त नगर जो कि प्राचीन में व्यापारिक का केंद्र बिंदु था विदिशा जिले का, वहाँ पे व्यस्त नदी में पाई गई। एक बड़ी सलाह के रूप में लोग उस पर निरंतर कपड़े धोते थे, लेकिन जब एक बार पानी कम हुआ और लोगों ने जब इसको पलटा तो भगवान कुबेर की प्रतिमा के रूप में ये दिखी और उसके बाद शासन के द्वारा इसको जिला संग्रहालय में स्थापित कर दिया गया। भाई साहब, बिजनेस तो आपने खोल लिया, पर बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ तो करना होगा। आप पुराने तौर तरीके भूल जाइए, जमाना बिल्कुल बदल गया है। आप घर बैठे अपने स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, क्लिनिक, रेस्टोरेंट या ज्वेलरी शोरूम के साथ साथ शॉपिंग मॉल या फिर किसी भी तरह के बिजनेस का जोरदार और धमाकेदार ऑडियो या वीडियो तैयार कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, हम देंगे आपको बिल्कुल बढ़िया समाधान। जी हाँ, हम हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंट्स एंड पब्लिशर्स, नाम तो सुना होगा। आपके बिजनेस के प्रचार की पूरी गारंटी हमारी। आप हमें व्हाट्सएप करें 7805818606 पर।